कोडैक, वो कंपनी जो एक टाइम दुनिया के 80% फिल्म एंड कैमरा मार्केट को कंट्रोल करती थी, सिर्फ एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि आज के टाइम तो इस कंपनी का नाम तक सुनने को नहीं मिलता। हाँ, यह खबर आई थी कि अमेरिका की एक गवर्नमेंट एजेंसी से कोडैक $765 मिलियन का लोन ले रही है, जिससे कि वो फार्मास्यूटिकल मार्केट में एंटर हो सके। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी कंपनी जिनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में खुशियां बांटा करते थे, उन्हें कैमरे को छोड़ दवाइयां बेचने की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, बेसिकली ये कहानी शुरू होती है साल 1888 में, जब न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर में रहने वाले जॉर्ज इस्टमैन एक कैमरा बनाते हैं। इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट था और ये अपने जमाने के हिसाब से बेहद एडवांस हुआ करता था। कोडैक कैमरा उस टाइम $25 का आता था और इसमें 100 फोटोज के लिए फिल्म हुआ करती थी। अपने इस कैमरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए 23 मई 1892 को जॉर्ज इस्टमैन कोडैक कंपनी को शुरू करते हैं और बस यहीं से कोडैक की जर्नी स्टार्ट होती है। कोडैक बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स बनाया करता था, कैमरा, उसके फिल्म और फोटोज को प्रिंट करने वाले पेपर्स। इस्टमैन अपने कैमरा को अमेरिका के अलग अलग शहरों में ले जाते थे, पर शुरुआत में उनके कुछ खास सेल्स नहीं होती थी। कारण था कोडैक कैमरा का हाई प्राइस, जो बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। और फिर इसे देखते हुए जॉर्ज इस्टमैन अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी में एक मेजर चेंज करते हैं, जो कि कोडैक की सक्सेस के लिए माइलस्टोन बनती है। अब आपने रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनीज अपने मेन प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में सेल करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को हाई प्राइस का रखते हैं। जैसे कि रेजर बनाने वाली कंपनी रेजर को तो बहुत सस्ते में बेचती है, लेकिन उसको लगातार इस्तेमाल करते रहने के लिए जो ब्लेड चाहिए होती है, उसे महंगे दाम पर बेचा जाता है। अब कोडैक भी अपने बिजनेस में यही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और अपने कैमरे की प्राइस को कम कर देता है, जबकि वही फिल्म रोल और प्रिंटिंग पेपर्स में हाई मार्जिन रखता है। अब दोस्तों, एक तरफ तो उन्हें अपने कैमरा में लगभग ना के बराबर प्रॉफिट होता है, लेकिन वही फिल्म रोल और प्रिंटिंग पेपर्स में वो 70% तक का मार्जिन रख पाते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद कोडैक की सेल्स काफी तेजी से बढ़ने लगी और इन्होंने अमेरिका से निकलकर अपनी फैक्ट्रीज फ्रांस, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी एस्टेब्लिश कर लिया। कोडैक का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा था और ये दुनिया के हर कोने में ही फिल्म कैमरास को पहुंचा रहे थे। लेकिन फिर आगे चलकर 1908 में कुछ ऐसा हुआ, इसने इस कंपनी को एक नई दिशा दी और सक्सेस के टॉप पर पहुंचाया। इस साल थॉमस एडिशन और कुछ दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर्स मिलकर मोशन पिक्चर पेटेंट कंपनी की शुरुआत करते हैं। उस टाइम इस कंपनी का अमेरिकन फिल्म मार्केट में खासा दबदबा हुआ करता था। जॉर्ज इस्टमैन इस कंपनी से डील करने में सफल हो जाते हैं और कोडैक पूरी इंडस्ट्री में फिल्म का एकमात्र सप्लायर बन जाता है। इस समय कोडैक लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बना रहा था और इनोवेशंस पर काफी सारा पैसा खर्च कर रहा था। इस्टमैन का विजन था कि कैमरा को वो इतना सिंपल बनाना चाहते थे जितना पेंसिल से लिखना होता है, और यही वजह थी कि जो कैमरा कुछ प्रोफेशनल स्टूडियोज तक ही सीमित थे, कोडैक ने उन्हें आम लोगों के हाथों तक पहुंचाया। दुनिया भर में कोडैक का क्रेज ऐसा था कि किसी बच्चे के पहला कदम चलने से लेकर किसी की शादी तक कोई भी इम्पोर्टेंट मोमेंट होता था, फोटोग्राफ कोडैक के कैमरा से ही कैप्चर किए जाते थे और इन्हें कोडैक मोमेंट्स का नाम दिया जाता था। पर दोस्तों, जो कंपनी अपनी इनोवेशंस की वजह से ही सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वो आने वाले समय में इसी की कमी का शिकार होने वाली थी, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं साल 1888 से 1968 के बीच 80 सालों के उस टाइम पीरियड के बारे में, जिसे कोडैक का गोल्डन एज कहा जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में कोडैक फिल्म एंड कैमरा मार्केट के 80% हिस्से को ग्लोबली डोमिनेट कर रही थी। कोडैक के पास इतना पैसा था कि उनके सामने कोई भी कंपनी टिक नहीं पाती थी। जो भी कंपनी मार्केट में उनका कॉम्पिटिटर बनने की ट्राई करता था, कोडैक उसे मुंह मांगे पैसे देकर खुद में मर्ज कर लेता था। ये ठीक वैसा ही है जैसा आज गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स करते हैं, और इसी की वजह से उन्होंने मार्केट में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली है। कोडैक के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कई केमिकल्स भी बनाए जाते थे, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी फायदेमंद थे। और फिर इसे देखते हुए ही कोडैक ने ब्लड एनालाइजर, एक्सरे, फोटोकॉपियर और कई तरह के फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इन्होंने अमेरिका के लिए RDX और हैंड ग्रेनेड जैसे वेपन्स भी बनाए थे, और 1943 में कोडैक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहा था। वैसे हम आपको बता दें कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया गया था। रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी पर चल रहा उनका ये बिजनेस इतने पैसे कमा कर दे रहा था कि कोडैक कोई भी नया इनोवेशन कर सकता था और उसमें मार्केट को डोमिनेट भी कर सकता था। पर 1970 आते आते कोडैक की सक्सेस और उनका मार्केट डोमिनेंस उनके सर पर सवार होने लगा, और इसी के चलते उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि कंपनी की बर्बादी की वजह बनी।
साल 1975 में कोडक के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टीवन सैसन ने डिजिटल कैमरा का एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि 0.1 मेगापिक्सल का लेंस लगा हुआ था। यह एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था, लेकिन जब स्टीवन अपना इन्वेंशन कोडक के हायर ऑफिशियल्स के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो इस आइडिया को ठुकरा देते हैं। वैसे साल 1979 में कोडक के ही एक मार्केट एनालिस्ट लैरी मैटेशन एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसके अकॉर्डिंग 2010 तक डिजिटल कैमरा ट्रेडिशनल फिल्म कैमरास को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। पर कोडक के हायर ऑफिशियल्स इस रिपोर्ट को भी सीरियसली नहीं लेते और वही पुराने फिल्म कैमरा को ही बेचने में उलझे रहते हैं। अब दोस्तों, डिजिटल कैमरा को सीरियसली न लेने के पीछे भी मेनली दो रीजंस थे। पहला तो ये कि उस समय तक कोडक का फिल्म कैमरा बिजनेस न सिर्फ अच्छे से चल रहा था बल्कि लगातार ग्रोथ भी कर रहा था, और दूसरा रीजन ये था कि कोडक का रेवेन्यू कैमरा की सेल्स पर नहीं बल्कि फिल्म रोल और प्रिंटिंग पेपर्स के बिजनेस पर डिपेंड करता था, जिसकी डिजिटल कैमरा में कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कोडक को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब साल 1980 में जापान की कंपनी फ्यूजी फिल्म अमेरिकन मार्केट में एंटर होती है। इस समय कोडक कंपनी की स्टेटस क्या हुआ करती थी, अगर इसे मैं नंबर्स में बताऊं तो ये दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में गिनी जाती थी। फिल्म मार्केट में इसका शेयर 95% और कैमरा मार्केट में 85% था। साथ ही कोडक की सेल्स $10 बिलियन से भी आगे पहुंच चुकी थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर था। अब फ्यूजी फिल्म के पास मार्केट शेयर तो नहीं था, पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और चीप लेबर के चलते कैमरा की प्राइस को काफी कम कर दिया था, जिससे कि अमेरिकन मार्केट में उनकी सेल्स लगातार बढ़ने लगी। साल 1984 में जब अमेरिका के लॉस एंजलस में ओलंपिक्स हुए तो इसकी ऑफिशियल फिल्म की बिड भी फ्यूजी फिल्म ने कोडक को हरा कर जीत ली थी। अब दोस्तों, कोडक के तो ये गले ही नहीं उतर रहा था कि एक विदेशी कंपनी उन्हीं के देश में आकर उनके ही डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। फ्यूजी फिल्म मार्केट में सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स लाती जा रही थी, और अब इस सिचुएशन में कोडक के पास दो ऑप्शंस थे। पहला कि वो बड़ी कंपनी होने का फायदा उठाए और इनोवेशन से फ्यूजी फिल्म को उन्हीं के चाल में हरा दे, और दूसरा कि वो फ्यूजी फिल्म से बदला लेने की कोशिश करता रहे। अब दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कोडक ने दूसरा ऑप्शन चुना और बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वहीं दूसरी तरफ फ्यूजी फिल्म ने कंपटीशन को साइड में रखकर इनोवेशंस पर ध्यान दिया और मार्केट में डिजिटल कैमरा को भी लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों, साल 1975 में अगर हम वापस चलें तो डिजिटल कैमरा पहले कोडक ने ही बनाया था, पर उन्होंने इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कभी आगे बढ़ाया ही नहीं। अगर कोडक ने उसी समय एक्शन लिया होता तो उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता और ये कंपनी डिजिटल कैमरा के मार्केट में भी आज किंग होती। लेकिन यहाँ पर कोडक सिर्फ फ्यूजी फिल्म से बेवजह कंपटीशन में लगी रही और उन्होंने अपने बिजनेस को चौपट कर लिया। एक्चुअली कोडक लोगों को ये समझाना चाहती थी कि ट्रेडिशनल फिल्म कैमरा कैसे डिजिटल कैमरा से बेटर है और डिजिटल कैमरास का इस्तेमाल करके वो क्या क्या मिस करेंगे। जैसे कि उनका कहना था कि डिजिटल कैमरास की फोटो कभी भी लोगों को ट्रेडिशनल प्रिंटिंग पेपर वाली फोटोज का टच एंड फील एक्सपीरियंस नहीं दे सकती। हालांकि ये बात सच तो थी, पर दुनिया भर में डिजिटल लिटरेसी काफी तेजी से बढ़ रही थी और लोगों का झुकाव भी डिजिटल कैमरा की तरफ ही था। पर दोस्तों, यहाँ पर कोडक अपनी बात पर अड़ी रही और कस्टमर्स के फीडबैक को इग्नोर करती गई। अब दोस्तों, इस दौरान फ्यूजी फिल्म मार्केट में अपनी डोमिनेंस बढ़ाता जाता है और 17% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेता है। कोडक और फ्यूजी फिल्म के राइवलरी के बीच कैमरा मार्केट में कैनन, निकॉन और सोनी जैसे प्लेयर्स भी एंटर होते हैं और उनके हिस्से में भी थोड़ा बहुत मार्केट शेयर आ जाता है। हालांकि आखिरकार 90 के दशक में कोडक भी अपना डिजिटल कैमरा लॉन्च करती है, पर उनका ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी बेकार साबित होता है। 2003 तक डिजिटल कैमरा मार्केट फिल्म कैमरा मार्केट को पीछे छोड़ देता है, और फिर डिजिटल कैमरा मार्केट में खुद को पिछड़ते हुए देख कोडक की मैनेजमेंट इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $2 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करती है और 1000 से ज्यादा नए एम्प्लॉइज को जॉब देती है। और दोस्तों, इन सभी एफर्ट्स की वजह से 2005 तक कोडक अमेरिकन डिजिटल कैमरा मार्केट में 40% मार्केट शेयर के साथ में नंबर वन बन जाती है। लेकिन कोडक अपने इस मार्केट को ज्यादा दिनों तक काबू में नहीं रख पाती, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने इनोवेशंस करना बंद कर दिया था, वहीं दूसरी ओर मार्केट में आई जापानीज कंपनी जैसे कैनन, निकॉन और सोनी अपनी मैसिव और चीप प्रोडक्शन कैपेसिटी के चलते मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट्स ला रही थी। अब दोस्तों, इस स्टोरी में आपको ओ फोटो के बारे में भी जान लेना चाहिए, जो कि एक ऑनलाइन फोटोग्राफी साइट थी। यहाँ लोग डिजिटल फोटोज को अपलोड कर सकते थे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। 90s के दशक में कोडक ने ओ फोटो को भी एक्वायर कर लिया था, पर इन्होंने इसे कभी भी आगे बढ़ाने का ही नहीं सोचा। अगर ओ फोटो को सही डायरेक्शन मिलती तो आज ये इंस्टाग्राम या स्नैपचैट की तरह बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता था और कोडक को इस इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता। लेकिन दोस्तों, कोडक के ऐसे ही गलत फैसलों के चलते इन्हें साल दर साल लॉसेस का सामना करना पड़ा और आखिरकार 2012 में कोडक बैंकरप्ट हो गई।
कोडक की शेयर प्राइस जो एक समय $100 से भी ऊपर हुआ करती थी वो $2 के भी नीचे आ गई थी और आज के टाइम पर ये करीब $3.75 पर है। 1996 में कोडक का रेवेन्यू $16 बिलियन के साथ अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था और इस समय उनकी कंपनी में 1,45,000 एम्प्लॉइज काम करते थे। पर आज की कंडीशन अगर देखें तो इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ $1.2 बिलियन ही बचा है और इसमें सिर्फ 4200 एम्प्लॉइज ही काम किया करते हैं। और दोस्तों, बैंकरप्सी से निकलने के लिए कोडक ने अपने कई लाइसेंसेज और पेटेंट्स को $525 मिलियन में बेच दिया था। अब 2013 में ये कंपनी एक बार फिर से खड़ी तो हुई, लेकिन आज कोडक का ग्लोबल कैमरा मार्केट में बहुत कम शेयर बचा हुआ है और यही वजह है कि कोडक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फार्मास्यूटिकल जैसी फील्ड्स में घुसने के भी ट्राई कर रहा है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोडक की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने फ्यूचर ट्रेंड को इग्नोर किया। अब कोई भी कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका एडवांटेज एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। दुनिया इनोवेशंस पर चलती है और जो बदलती दुनिया के साथ खुद को एडॉप्ट नहीं करता उसका अंत निश्चित होता है।